Next question. The cost of setting up the type of magazine is rupees 1000. The cost of running the printing machine is rupees 120 per 100 units. The cost of paper, ink and so on is 60 paisa per copy. The magazines are sold at rupees 2.75 each. 900 copies are printed, but only 784 copies are sold. What is the sum to be obtained from the advertisements to give a profit of 10% on the cost? Behtareen question. Bahut hi zabardast question. Why is it good? Because this is a very practical question. Ye jab tum log kisi, because you people are aiming to get into the IIMs. Tomorrow when you will be heading managerial positions at big companies, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आएंगी और तुम्हारे को ये समझ होनी जरूरी है कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन का जो इनिशियल पॉइंट है, द स्टार्टिंग पॉइंट हैज टू बी दिस कि भैया मैंने कितने मेरे पास पैसे खर्च होंगे, तो वो किससे पता चलेगा कि पहले बताओ. बिकॉज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट इज फिक्स्ड व्हिच इज देयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कॉपीज दैट वी आर प्रोड्यूसिंग, एंड अनदर पार्ट ऑफ दिस कॉस्ट इज variable which is dependent on the number of copies that would be produced. तो मुझे क्या करना है, मुझे 900 copies के हिसाब से सबसे पहले ये पता लगा लेना है कि how much units I want to produce. पहली चीज, यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद में मुझे पता लग जाएगी मेरी कॉस्ट कितनी आने वाली है. ये मुझे कॉस्ट पता लग गई. उसके बाद में मुझे पता चल गया है कि ओनली 784 कॉपीज आर बींग सोल्ड. तो आई हैव गॉट व्हाट दिस कि पर यूनिट की मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है. द रिमेनिंग बैलेंस, द डिफरेंस बिटवीन द टू, यानी कि मेरी जो कॉस्टिंग आई 900 कॉपीज को बनाने की एंड द अमाउंट दैट आई गॉट बाय सेलिंग 784 कॉपीज फॉर 2.75, द डिफरेंस बिटवीन द टू राइट हैज टू बी कवर्ड थ्रू एडवर्टाइजमेंट, कंसिडरिंग कि मेरे पास में कुल मिला के 10% ज्यादा आना चाहिए था किस पे, मेरी कॉस्टिंग के ऊपर. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले मेरे देखिए, मैं 900 कॉपीज को बना रहा हूं, 900 कॉपीज आर बीइंग प्रिंटेड, तो मेरी कॉस्टिंग कितनी कितनी हो गई. सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूं कितना, सबसे पहली कॉस्ट कितनी है, द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द टाइप ऑफ मैगजीन इज ₹1000, यानी कुछ भी हो जाए, चाहे जीरो कॉपीज ही प्रोड्यूस हो रही हो, मुझे कितना ₹1000 तो मुझे स्पेंड करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, ये 1000 रुपीस की मेरी पहली कॉस्टिंग हो गई. ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है अर्जित, सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना. द कॉस्ट ऑफ रनिंग द प्रिंटिंग मशीन इज ₹120 पर 100 कॉपीज. ठीक है, तो मशीन का कॉस्ट कितना आ गया अपना, मशीन का कॉस्ट हो गया हमारे 900 के लिए 9, क्योंकि पर 100 का 120 था, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 120 विच इज इक्वल टू 80, ये मेरी मशीन की रनिंग कॉस्ट हो गई. अगला, द कॉस्ट ऑफ पेपर इंक एंड सो ऑन, जो मिसलेनियस बाकी के ऊपर के एक्सपेंसेस है, वो कितना दे रखा है आपको, 60 पैसा पर कॉपी. ठीक है, तो ये इंक की कॉस्ट हम लोगों ने जोड़ ली, कितनी इंक की कॉस्ट आ रही है, 60 पैसा फॉर 900 कॉपीज, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 540 रुपीस. राइट, ये टोटल देख लीजिए जरा कितना हो रहा है, 0, 8 + 4 = 12, दिस इज 6 एंड दिस इज 2, तो 2620 रुपीस इज माय टोटल कॉस्ट दैट इज बीइंग इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग 900 यूनिट्स. नाउ आई वांट अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच, 10%, तो यानी कि इसमें 262 और जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 282. Now this is the amount that I want to recover. But मेरी market में copies कितनी बिकी हैं? केवल 784 units बिकी हैं. 784 units को हमने multiply करेंगे किससे? 2.75 से आने वाला. तो हो जाएगा 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 7s are 14 plus 1 15, और 0.75 से multiply करने का मतलब है कि यहाँ पे 784 और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3/4 से, तो ये बन जाता मेरा, दिस इज 3 6s are 18, ये हो जाएगा 3 9s are 27 + 1 28 एंड 3 1s are 3 तो 588.
तो प्लस 588 इसके अंदर हमने कर दिया, ये कुल मिला के पैसे आ गए आपके पास में, 8 प्लस 8 इज 16, दिस इज 8 प्लस 7 इज 15, दिस इज 11 एंड दिस इज 2156. तो हाउ मच मनी हैव यू रिकवर्ड बाय सेलिंग दीज कॉपीज, 2156. तो 282 और 2156 के बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी कि 12 माइनस 6 इज 6, this will become equal to 7 minus 5 is 2 and this is equal to 8 minus 7, that is 7. To kul mila ke 726 rupees ki mujhe advertisement leke aane padege, yani ki my answer will be option number C. Kisi ko koi problem ho to bataiye isme question, bahut hi behtareen question.